सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ, यह वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इनमें जो भी इन्फॉर्मेशन बताई जाएंगी आपको वो रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर है। सारा ओपिनियन ऑनेस्ट है, ऑथेंटिक है, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है एकदम। ये वन एंड ओनली वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। इसके बाद में आपको कोई कंपैरिजन वीडियो देंगे जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो जो फैक्टर्स होंगे, क्या प्राइस है, कैसे फैसिलिटी है, क्या क्या फैकल्टी है उसकी, मतलब कौन कौन से क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, आपको वन बाय वन सारे बताए जाएंगे। एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, दोनों में ठीक से अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं, दोनों में से अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आपको एक राइट डिसीजन लेना है। अगर वो राइट डिसीजन रॉन्ग हो जाता है तो आपका टाइम, एनर्जी, मेहनत, पैसा, सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। आपको रिग्रेट फील होगा, सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, और जो सक्सेस लेना चाह रहे थे वो शायद ना मिले। तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना ताकि एक राइट डिसीजन ले पाएं। स्किप करेंगे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मिस कर दे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वन बाय वन वीडियो में एक एक करके इन्फॉर्मेशन को देख। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बिजन सिंह, स्वाति आपा के जी मिशन में। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे अनअकैडमी और बायजू के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, इसके बारे में हम 20 पॉइंट में बात करेंगे। आप ये देख लीजिए पूरा स्लाइड, इसमें करीब 20 पॉइंट है जिसके बारे में एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, यह वीडियो हमारा UPSC कोचिंग रिव्यू सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ और, आज जो हमने वीडियो बनाने का थोड़ा स्टाइल है उसको चेंज किया है, पहले इस तरीके से था, अब इस तरीके से है। आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, ताकि जो आगे रिव्यूज़ हैं उसी तरीके से आएंगे। कमेंट करके बाद में बताना। यह वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में से एक थी, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि इन दोनों कोचिंग्स का कंपैरिजन किया जाए। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं अनअकैडमी और बायजू के बारे में। तो सबसे पहले इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्या इसकी फ़ी है। तो देखिए, अनअकैडमी की जो फ़ी है वो करीब 45,000 रुपये से स्टार्ट होती है और करीब 1-1.5 लाख तक जाती है। वो आप उसके मतलब वेबसाइट पर जाके या उनके यूट्यूब चैनल्स पर जाके पता कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उनमें डिस्काउंट वगैरह भी होता है। ये उनके इस हिसाब से कि 1 साल कितनी, 2 साल कितनी, 3 साल कितनी, इस हिसाब से फीस रहती है। दूसरी चीज़, 80,000 से 90,000 रुपये आपका बायजू का फ़ी रहता है करीब। आगे पीछे भी हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप ये भी डिस्काउंट के नाम पर होती है। इसमें आपको टैबलेट भी मिलता है और आपका मतलब जो फ़ी है वो भी इसमें लैक्स तक चली जाती है जब आप ऑप्शन वगैरह को लेते हैं। तो दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, वो आपका फैकल्टी। फैकल्टी कैसी है आपके अनअकैडमी की? तो देखिए, अनअकैडमी आपको 5 तरह की फैकल्टी मिलेगी। पहला गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट ये भी मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ पुअर फैकल्टी मिल जाएगी, जिसको एवरेज बोल सकते हैं, जिनको खुद ज़्यादा अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है। और एक ये भी मिल सकती है, काफ़ी बेकार फैकल्टी मिल सकती है, जो पहले ज्वाइन हो चुकी थी या जो कैरी ऑन कर रहे हैं, जिनको अपने क्षेत्र में अच्छी जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो 5 तरह के आपको गुड भी मिल जाएगा, बेटर मिल जाएगा, बेस्ट मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा और पुअर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करूं बायजू की, तो बायजूज में आपका 2 तरह की फैकल्टी मिलती है। एक तो आपकी गुड मिल जाती है और एक आपकी मिल जाती है एवरेज। गुड है ना, गुड सारे सब्जेक्ट्स में गुड होता है, तो आप उन पर मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अनअकैडमी पर आपको काफ़ी ज़्यादा फैकल्टीज़ मिलती हैं, तो वहाँ पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप बेस्ट फैकल्टी को चूज़ कर सकते हैं। आगे इसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट दोनों बताऊँगा, ज़्यादा फैकल्टी और कम फैकल्टी के क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो आपका क्या क्या ये फैसिलिटी देती हैं आपको। तो देखिए, अनअकैडमी, GS, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स मेंस दोनों, और क्विज वगैरह ये होते रहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देती है। GS सारा कवर कराया जाता है, CSAT वगैरह भी इसमें कवर कराया जाता है। और बायजूस में आपको ये टैबलेट मिल जाता है, बुक्स मिल जाती हैं, जिसमें आपकी 18 बुक्स होती हैं, कुछ बायजूस की होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, आगे बताऊंगा इस चीज़ को भी। और GS को ही पढ़ाता है, ऑप्शन को ही पढ़ाते हैं और टेस्ट सीरीज, लेकिन ऑप्शन वगैरह को पढ़ाते हैं तो उसमें प्राइस डिफरेंसेस होते हैं, प्राइस बढ़ जाता है, चाहे अनअकैडमी हो या बायजू हो। बात करते हैं लोकेशन। तो देखिए, ये ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन तो है ही नहीं अभी, ये तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सेम बायजूस भी। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके प्लस पॉइंट क्या हैं अनअकैडमी के और बायजूस के प्लस पॉइंट क्या हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर नहीं करूँगा, इसको लास्ट में क्लियर करूँगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जब आप सुनते हुए जाएंगे तब ही ये अनबायस्ड व्यू निकलेगा और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिना किसी मिसगाइडेंस के। तो इस चीज़ को बाद में। 6th पॉइंट है, वो आपका यूनिकनेस क्या है। तो देखिए, अनअकैडमी आपको कुछ फ्री लेक्चर्स भी देता है, कुछ आपके प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके भी लेक्चर्स देता है, और कुछ आइकॉनिक होता है इसका उसको भी दे देता है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ मिल जाएंगे, ये इसका यूनिकनेस है। लेकिन इसके बारे में भी आपको आगे डिटेल्स में बताया जाएगा, ये आपका 0.5 और 0.6, इसको मैं डिटेल्स में आगे क्लियर करूँगा। और जो आपका बायजूस है, उसके आपके जो पेड कोर्सेस हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और लेकिन फ्री वाले ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जबकि अनअकैडमी के फ्री भी काफ़ी अच्छे होते हैं। 7th पॉइंट की बात करूँ कि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो देखिए, ये स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है, उसको मैं 2 कैटेगरी के हिसाब से इसमें डिवाइड करता हूँ। पहला,
जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अनअकैडमी काफ़ी अच्छा लगता है, इनका परसेंटेज काफ़ी है जिनको अच्छा लगता है, लेकिन जो जो बैड बताते हैं, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा कि अनअकैडमी का एक्सपोज यानी फ्रॉड, या आप एक्सपोज समझें या उसकी रियलिटी समझें, नेगेटिव पॉइंट समझें, वो आगे। तो मान लीजिए इसमें 80% इसको अच्छा बताते हैं तो 20% इसको ख़राब भी बता देते हैं। यही बात अगर इसमें बात करूँ तो अनअकैडमी बायजूस को, बायजू को करीब 40 से 50% अच्छा बताते हैं, तो इतना ही इसको ख़राब बताते हैं। ये इतना फैक्टर चलता रहता है, तो इस चीज़ को आप समझ के चलना। आगे एक एक करके सारी चीज़ क्लियर होंगी आपको। 8th पॉइंट का मैं बात करता हूँ, ये आपका डेली क्लासेस कितनी रन होती हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि लाइव क्लासेस होती हैं और प्री रिकॉर्डेड क्लास होती हैं। REC में मतलब लिखा मैंने प्री रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, तो समझ जाना इस चीज़ को। उन क्लासेस को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन बायजूस की बात करूँ इसमें आपको मैक्सिमम आपको प्री रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, लाइव क्लासेस बहुत कम है। और दूसरी चीज़, उनको आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते और मैक्सिमम 3 बार तक देख सकते हो। ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉइंट 9 की बात करता हूँ, टोटल क्लास कितना होता है, टोटल आवर्स कितना होता है, कितने ड्यूरेशन वगैरह रहते हैं कोर्स की, वो सारी चीज़ें, मतलब कितने आवर्स में जाता है। तो देखिए, आप अनअकैडमी क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हैं, एक क्लास को कितने बार भी देखो कोई दिक्कत नहीं, डाउनलोड भी कर सकते हो, लाइव क्लासेस होती हैं, प्री रिकॉर्डेड भी हो सकती हैं, और अनलिमिटेड आवर्स तक, यानी आपने एक कोर्स को एक टीचर के हिसाब से पढ़ लिया, उसको दूसरे को, उसी कोर्स को दूसरे टीचर के हिसाब से भी पढ़ सकते हो, उसके लेक्चर को देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, एक बार ज्वाइन करो उसके बाद अनलिमिटेड। लेकिन बायजूज में क्या है, एक एक क्लास को आप एक एक टीचर की आपको एक एक क्लास मिलेगी और उसको केवल 3 बार देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, उसको आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम प्री रिकॉर्डेड होती हैं, और इसमें जो कोर्स का ड्यूरेशन लगभग फिक्स है, 500+ घंटे फिक्स रहते हैं इसमें, जो कि आपका बायजूज की एक लिमिटेशन है। बात करूँ अगर मैं ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन में आपका ये एक एक साल का भी होता है, 2 साल का भी, 3 साल का भी अनअकैडमी, ऐसे ही बायजूस भी आपका 1 साल, 2 साल और 3 साल का भी शायद नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन 1-2 साल तक होता है। ये चीज़ आपको मैटर नहीं करनी चाहिए, जब आप बड़े लेवल पर सोचेंगे तब आपको ये मैटर करेंगे। अब बात करता हूँ आपको 11th पॉइंट का, वो आपका सिलेबस को टाइम पर कौन खत्म कराता है। तो पहली चीज़, अगर अनअकैडमी बात करता हूँ तो देखिए, ये अपने सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं, लेकिन कभी कभी इनके टीचर बीच में से अगर लेफ्ट करके चले जाते हैं तो इनकम्प्लीट हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये रेयर केस है, रेयर मीन 1-2% ऐसा होता है, अदरवाइज सारा कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये अपने सिलेबस को प्रीलिम्स के और मेंस के और इंटरव्यू वगैरह इन सब के ओरिएंटेशन के साथ में टाइम पर कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं, चाहे क्लासेस ज़्यादा लेनी पड़ जाएं। लेकिन अगर मैं बात करूं बायजूस की, तो इसको प्रीलिम्स और मेंस के ज़्यादा फिक्र नहीं रहती, अपने कोर्स को जिस हिसाब से कराना है उस हिसाब से कराता है, यानी कहने का मतलब है वो अकॉर्डिंग टू टाइम ओरिएंटेशन नहीं देखता है, कब प्रीलिम्स है कब मेंस है, कोर्स चल रहा है तो चल ही रहा है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, इस चीज़ को इनको इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। 12th पॉइंट के बारे में डाउट्स, डाउट्स सेशन क्या होता है, डाउट क्लियरिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें कितना अच्छा किस में कवर कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें लाइव जो क्लासेस होती हैं ना, उसमें नीचे जब आपका सेक्शन होता है उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं और आपके आंसर्स मिल जाते हैं। प्री रिकॉर्डेड क्लास के भी आपको डाउट के आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें डाउट सेशंस भी, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी इसमें चलते रहते हैं, तो वहाँ पे क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़, जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है, अगर वो टेलीग्राम वगैरह पे है, तो वो भी वहाँ पे आपको सपोर्ट कर देगा, वहाँ पे आपके जो मतलब डाउट्स वगैरह उनको क्लियर कर देगा। तो एजुकेटर भी यहाँ पे टेलीग्राम वगैरह पे आपको फॉलो करा के आपको सारी की सारी चीज़ें प्लस पॉइंट दे देता है, एक तरीके से उनकी मतलब हेल्प मिल जाती है, मेंटरशिप मिल जाती है। अगर बात करूँ इसमें, तो इसमें जो डाउट्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें लाइव क्लासेस कम होती हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम आपकी प्री रिकॉर्डेड क्लासेज होती हैं, तो डाउट क्लियरिंग सेशन वेरी लेस है, बहुत कम है, लेकिन डाउट क्लियरिंग वेबिनार्स कराते हैं, ये डाउट्स के वेबिनार्स, तो उसमें कुछ ना कुछ डाउट्स को क्लियर करा लिया जाता है। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ सही है, ये मेंटरशिप जो टीचर्स के जो होते हैं ना, टीचर्स का यहाँ पे एक मेंटरशिप दिया जाता है, आपको एक मेंटर मिलेगा, कहने का मतलब मेंटर तो मिलता है, कुछ मेंटर इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको अपना नंबर भी दे देते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दे देते हैं, और भी सारी चीज़ें से आपको लिंक करा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। 13th पॉइंट, अगर मैं बात करूँ सक्सेस रेशियो का, तो देखिए अभी तक, आज तक ऐसा एक भी टॉपर मुश्किल से ही कोई निकला जो एकदम खड़े होकर ये बोल सके कि मैं अकेडमी से पढ़ाऊँ, बायजू से पढ़ाऊँ और यहाँ से मेरा सलेक्शन हुआ है। वो टॉपर जो निकलते हैं वो या तो सेल्फ स्टडी से निकलते हैं या बहुत सारे रिसोर्सेज को पढ़ के इधर उधर से, वो अलग फैक्टर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अनअकैडमी है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस चीज़ पे, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं जो कि आगे आपको क्लियर की जाएंगी। बायजू में भी ऐसी कुछ मतलब अच्छाइयाँ कुछ कमियाँ, लेकिन सक्सेस रेशियो की बात करूँ तो अभी तक ये NA समझ लीजिए, यानी नॉट अवेलेबल, आप यहाँ पर मतलब पता नहीं कर सकते हैं कितना सक्सेस रेशियो रहा है, लेकिन कुल मिला के दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, दोनों ही अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 14th पॉइंट को बात करूं कि नोट्स कैसा है, नोट्स की क्वालिटी क्या है। तो पहली बात तो देखिए,
जो अनएकेडमी का नोट्स होता है वो या तो पीडीएफ के फॉर्म में होता है या पीपीटी, जो टीचर पढ़ाता है जिस पीडीएफ को या जिस पीपीटी से वो उसको प्रोवाइड करा देता है, उसी से स्टूडेंट उसको नोट डाउन कर सकता है। लेकिन ये क्या करता है आपका बायजूस, इसमें आपको 18 बुक्स मिलती हैं, जिसमें कुछ बुक्स आपके बायजूस की खुद की होती हैं, लेकिन कुछ जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उन्हीं बुक्स को कवर वगैरह चेंज करा के, अपना लोगो वगैरह चेंज करा के वो सारी दे दी जाती हैं। जैसे लक्ष्मीकांत अपना लोगो लगा देगा बायजूस, आपको दे देगा, और ये सारी जैसे बिपिन चंद्रा हुई, और ये कई तरह की बुक होती हैं। तो यानी कहने का मतलब आपको 18 बुक्स मिलेंगी स्टैंडर्ड, जिनको आप जो वीडियो लेक्चर मिलेंगे उनके हेल्प से, और जो टीचर के जो वीडियो लेक्चर होते हैं उनकी हेल्प से उन बुक्स को साथ में पढ़ते रहेंगे, जिसमें कुछ बायजूस के हैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इसके साथ में आपको, यानी कहने का मतलब, ऑफलाइन रिसोर्सेज कुछ नोट्स मिलता है विद टैबलेट, लेकिन इसमें आपको केवल पीडीएफ मिलता है और पीपीटी मिलते हैं। बात करूँ 15 पॉइंट के बारे में कि टेस्ट सीरीज के आखिर अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज है उसकी क्वालिटी, देखिए मैं इसको केवल एवरेज बोलूँगा और कहीं कहीं पे एवरेज भी नहीं है, और लेकिन जो एनालिसिस है कंपैरिजन टू बायजूस काफ़ी सही है, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अनअकैडमी को भी और बायजूस को भी, दोनों को टेस्ट सीरीज की जरूरत है, क्योंकि देखिए पढ़ा तो जितना भी देते हैं लेकिन जो असली खेल होता है वो टेस्ट सीरीज होती है, इसलिए दोनों को जरूरत है इसकी। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी लगभग सेम है, थोड़ा सा ही फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, इसको एक ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता भी नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। अगर बात करूं एनालिसिस की, तो एनालिसिस कैसा है बायजू का, तो बायजूज का एनालिसिस अनअकैडमी के कंपेरिजन में थोड़ा सा लो है, इनको थोड़ा सा इस पर काम करने की ज़रूरत है। बात करता हूँ आपको लेक्चर्स की क्वालिटी कैसे, जो आपके वीडियो लेक्चर्स चलते हैं ना उनकी क्वालिटी कैसी है। तो देखिए अनअकैडमी के आपके फ्री वाले लेक्चर भी आपने देखे होंगे या उनके ऐड वगैरह भी देखे होंगे, यूट्यूब चैनल्स पर भी देखे होंगे, काफ़ी फ्री वाले भी अच्छा लेक्चर होता है, लेकिन ये फ्री वाला लेक्चर इसमें आपको बायजूस में अच्छा नहीं मिल पाता है। पेड वाला इसमें अच्छा तो होगा ही होगा क्योंकि आप पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन इसमें बायजूस में आपका पेड वाला अच्छा होता है। अगर बात करूँ मैं टीचर्स की ट्रांसपेरेंसी की, जैसे टीचर्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा, अगर आपसे पूछूँ मैं बायजूस के टीचर का नाम बताइए, मुश्किल ही आपको बहुत कम का नाम पता होगा। अगर मैं बात करूँ अनअकैडमी के टीचर्स का नाम बताइए, तो वहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत है, टीचर्स को आप पर्सनली जानते हैं, उनके पहले क्लास ले चुके हैं, तो यानी जो मोर है, जो टीचर्स की ट्रांसपेरेंसी है अनअकैडमी में काफ़ी ज़्यादा है और इसमें काफ़ी लेस है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनको मैंने कंपैरिजन किया है, लेकिन ये वीडियो का केवल आधा पार्ट है और आगे का पार्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आगे की चीज़ को आप थोड़ा ठीक से देखिए। ये केवल कंपैरिजन किया मैंने 17 पॉइंट्स का, क्योंकि ऐसी वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है, ऐसी वीडियो को बनाने में एक एक दो दो दिन लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे जो पार्ट है उसको पूरा देखें, कंक्लूजन निकालें, उसके बाद ही डिसाइड करें। अब इसके कुछ प्लस पॉइंट बताऊंगा, नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा, कुछ एडवाइस दूंगा अनअकैडमी को भी, कुछ एडवाइस दूंगा बायजूस को भी, कुछ एडवाइस दूंगा स्टूडेंट्स को भी, एंड जो अनअकैडमी का क्या फ्रॉड है, बायजूस का क्या फ्रॉड है, ये हमारा फर्दर डिस्कशन आगे रहेगा वीडियो का, जो आगे बताया जाएगा पहले क्या चेंजेस से अनअकैडमी के अभी क्या है और मेरा ओपिनियन क्या है, ये वीडियो का आगे का एजेंडा है। अब आपको बताता हूँ कि अनअकैडमी के क्या प्लस पॉइंट हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट हैं। तो पहली बात प्लस पॉइंट की बात करते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं, तो उस पर आप टीचर्स की चॉइस कर सकते हैं कि मुझे इकोनॉमी इससे नहीं इससे पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री इससे नहीं इससे पढ़नी है, मुझे जो अदर भी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मुझे इन टीचर से नहीं इन टीचर से पढ़ना है, क्या चीज़ किस टीचर से पढ़नी है, ये आप चॉइस कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, एक क्या बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है भाई, दूसरा एक टीचर से कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे इकोनॉमी आप किसी से पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसी टॉपिक को दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं, ये भी आपको प्लस पॉइंट होता है इसमें। तीसरा इसका डाउट क्लियरिंग सेशन जो लाइव सेशन के बाद में होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो इसका डाउट क्लियरिंग सेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, रिपीटर्स का मतलब है जो अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, जैसे उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी बेसिक्स पता है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटिक्स क्या क्या होता है, कौन कौन सा टीचर कहाँ पर सही है, तो उनके लिए अनअकैडमी काफ़ी अच्छा है जिनको इन सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी बेसिक्स नॉलेज है, ठीक है। अब इसके अनअकैडमी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ, देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा टीचर हैं तो इसमें आप भटक जाते हैं, भटकन का मतलब है, जैसे भटकन का मतलब आप भटक जाएंगे, आपको नहीं पता पड़ेगा कि एक सब्जेक्ट को 10 टीचर पढ़ा रहे हैं 100 टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं किससे पढ़ूं कौन अच्छा है, तो इस चीज़ को आपको एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए एक टीचर एक सब्जेक्ट को कौन सा टीचर कब कहाँ पर कितना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, इस चीज़ को रिसर्च एनालिसिस करने में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। लेकिन इसमें मैं आपको एक इसका तोड़ भी दूंगा, इसका की पॉइंट भी बताऊंगा, जो कि एडवाइस में भी बताता हूँ। अनअकैडमी को अपना जो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम होता है स्टूडेंट को अगर ज्वाइन करा रहा है
तो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कराने की होता है, गाइडेंस प्रॉपर मिलती तो है लेकिन थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कराने की और जरूरत है। जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल से, जिनको नहीं पता जियोग्राफी इकोनॉमी पॉलिटिक्स कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, बिल्कुल जीरो लेवल से जिनको बात करूं मैं, वैसे तो हमने अपना कोर्स बना रखा है बाहुबली द बिगनिंग कोर्स, उसमें आप बिल्कुल जीरो लेवल से अगर अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी गाइडेंस कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 500 फी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल जानकारी नहीं है जीरो लेवल से किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो अगर अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो वो इसी भंवर में फंसता रहेगा, भटकते रहेंगे, नहीं पता पड़ेगा किस टीचर से क्या पढ़ना है, ऐसे अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट, एनर्जी और दिमाग काफ़ी ज़्यादा खर्च कर लेगा जिसको नहीं पता है। अब बात कर रहा हूँ इसमें जो एक कंप्लीट जो रोड मैप होता है, स्ट्रेटेजी होती है, उसकी काफ़ी कमी आ जाती है कि एक टीचर इतने दिन में इस कोर्स को कवर कराएगा वो तो ठीक है, लेकिन एक मोटा मोटे तौर पे एक अप्रॉक्स रोड मैप मिल जाता तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, ये सारी चीज़ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि लेट रिप्लाई मिलता है अन अकेडमी पे, आपको जो भी आप डाउट्स वगैरह पूछेंगे तो उसका लेट रिप्लाई मिलेगा, या कोई भी चीज़ आप पूछेंगे तो उसका, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके अन अकेडमी प्लस पॉइंट के, कुछ थे ये था इसका प्लस पॉइंट, ये था इसका नेगेटिव पॉइंट। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर तरीके से पता पड़े। इसमें कुछ आपको एडवाइस भी ये देने वाला था, हाँ एडवाइस क्या थी कि इस चीज़ से कैसे बचें, कि किस टीचर से क्या पढ़ना है, ये कैसे एनालिसिस करें। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अनअकैडमी को अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो वैसे तो सेल्फ स्टडी ही बेस्ट होती है, फिर भी आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो इस एडवाइस को थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिस टीचर से आपको, जैसे मान लीजिए पहले तो सबसे पहले अनअकैडमी के कई सारे चैनल हैं, उन पर जाइए, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटिक्स की कुछ कुछ वीडियोज़ देखिए, 10-10 5-5 वीडियो भी देखिए, उनके अलग अलग टीचर्स के हिसाब से देखिए, ठीक है। उसमें जो टीचर आपको अच्छा लगने लगे, जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री का प्रतीक नायक सर हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो सारे लेक्चर्स उन्हीं के पढ़ेंगे, उनके अलावा इधर उधर नहीं भटकेंगे। इकोनॉमी आपको मुंडाल पटेल सर की अच्छी लग रही है तो आप उन्हीं से पढ़ेंगे, पॉलिटी आपको सिद्धार्थ सर की अच्छी लग रही है तो केवल उन्हीं से पढ़ेंगे, और भी तमाम तरीके के टीचर होते हैं। यानी अपने सब्जेक्ट्स को फिक्स करो कि मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी इन इन टीचर से पढ़नी है, ये बढ़िया होते हैं, ये बढ़िया या ये एवरेज होते हैं, तो मैं बेस्ट बेस्ट वालों से पढ़ूंगा, उनकी एक लिस्ट बनाओ, उसके बाद में अनअकैडमी को ज्वाइन करो। अदरवाइज आप पहले ज्वाइन कर लेंगे तो भंवर में फंस जाएंगे, आपका काफी ज्यादा टाइम, मेहनत, एनर्जी काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगी इसी चीज को पता करने में, किससे मैं पढ़ूं किससे ना पढ़ूं। लेकिन आप पहले ही लिस्ट बनाकर रख लेंगे कि मुझे इस टीचर से स्पेसिफिक इसी चीज को पढ़ना है तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। ये एडवाइस थी, और कुछ एडवाइस आपके अनअकैडमी के लिए भी दूंगा, कुछ बायजूस के लिए भी दूंगा, अगर उनकी टीम इस वीडियो को देखेगी तो शायद इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करे और आगे स्टूडेंट्स का ही बेनिफिट हो। बात करूं बायजूस की, तो बायजूस के कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पहली बात, इसका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जो टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम जो गाइडेंस वगैरह देते हैं वो काफ़ी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ जो मेंटर्स होते हैं वो ठीक से सपोर्ट नहीं करते, ठीक से गाइड नहीं करते, तो यहाँ पे अगर आपको बैड मेंटर मिल गया या जो आपको फुल सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपका लॉस हो सकता है, पहली बात ये। लेकिन सपोर्ट मिलता है तो ये इसका प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़, इसमें आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, आपकी कोई भटकन नहीं होती है। भटकन जैसे मैंने आपको बताया था किस सब्जेक्ट को किस टीचर से पढ़ना है, इसको अनअकैडमी में ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बायजूस में ये चीज़ फिक्स रहती है कि किस टीचर, कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, तो आपको उसी टीचर के हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे तो आप भटकेंगे नहीं और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कवर कर लेंगे। लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी बताऊँगा इसके, लेकिन अब इसमें प्लस पॉइंट में और एक और चीज़ बता दूँ, इसमें आपको कुछ बुक्स मिलती हैं, 18 बुक्स होती हैं, टैबलेट मिलता है। जीरो लेवल से जो स्टूडेंट है इसको, मतलब जिन कुछ बिल्कुल जानकारी नहीं है, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट करना, कैसे, उनके लिए सलाह मैं यही दूंगा, या तो हमारे बाहुली कोर्स को ज्वाइन करूँ उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, या अनअकैडमी पर एक दो अनअकैडमी की जो फ्री वीडियोज़ हैं उनको देख लें, या यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़ी हैं, फ्री वीडियोज़ हैं, एक दो महीना अपना इन्वेस्ट करें, जानें व्हाट इज़ द यूपीएससी, पहले जान लें उसके बाद में उसमें कूदें। कहने का मतलब है जिनको नहीं पता है, टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, पहले तो जीरो लेवल की इन्फॉर्मेशन ले लें उसके बाद में अनअकैडमी या बायजू को ज्वाइन करें, वो आपकी मर्जी, या फिर भी नहीं कह रहे कि नहीं मुझे ज्वाइन करना ही करना, तो बायजू ठीक रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा, उसके बाद में आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, तो ये सारी की चीज़ें आपको सही रहेंगी। आपको एक चीज़ बता दूँ, बायजू जो है ना वो आपका क्लास 10th और 12th के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, क्लास 10th और 12th तक के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बायजूस की अगर मैं कंपेरिजन करूँ औरों से तो काफ़ी सही है, लेकिन इसका भी एक अल्टरनेटिव है, इसका भी एक तोड़ है, क्योंकि इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है बायजूस की। इसका एक तोड़ ये है कि जैसे आपको फिजिक्स पढ़नी है तो यूट्यूब पर एक चैनल है फिजिक्स वाला, काफ़ी फेमस टीचर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, उनसे आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं,
मुश्किल से 1-2-3 हज़ार में ही वो पूरी फिजिक्स को कवर करा देते हैं, चाहे आईआईटी के लिए कर रहे हो, नीट के लिए कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो विद 10th का सिलेबस, 12th का सिलेबस, वो सारी चीज़ें। दूसरा अल्टरनेटिव है अमन अंतरवाल, इनका भी काफ़ी चैनल अच्छा है, कई सारे यूट्यूब पर चैनल हैं, अपनी कक्षा, अपना कॉलेज, इन पर फ्री लेक्चर्स, अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये अल्टरनेटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th और 12th में हैं, या अपने भाई बहन को गाइड कर सकते हैं अगर यूपीएससी वाले एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अगर अब मैं बात करता हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो देखिए इसमें मान लीजिए अगर आप किसी से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो टीचर आपको अलॉट किया गया, जिसके वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, उसकी पॉलिटी आपको पसंद नहीं आ रही, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी कि आप उस टीचर को चेंज करके दूसरे टीचर से पढ़ लें। दूसरी चीज़, आप एक टॉपिक को एक टीचर से पढ़ पाएंगे, दूसरे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक ही आपको पढ़ा रहा है, तो आपको टॉपिक्स पर भी आपको चॉइस नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़ के इसको भी इम्प्रूवमेंट है, जैसा कि मैंने कंपेरिजन में बताया था, टेस्ट सीरीज़ इम्प्रूव करिए, बहुत ज़रूरी है। अगर बायजू की टीम इस वीडियो को देखे तो ज़रूर देखे इस चीज़ को, अनअकैडमी को भी बोलूँगा अगर उनकी टीम इस वीडियो को देख रही हो तो उनको भी बताने होता है कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बात करूँ सिलेबस टाइम पर ख़त्म कराने की, तो ये इसमें बहुत कम होता है, मैंने बताया था एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से हम नहीं चलते हैं, अपना दे दिया उस हिसाब से चलेगा, लेकिन कोशिश फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और जो मुझे बायजू की सबसे गंदी लगती है कि जो इनका कॉलिंग का सिस्टम होता है, बिफोर और आफ्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बिफोर में जैसे मान लीजिए आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आपको आज कॉल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, धनाधन कॉल करेंगे जब तक आप इसके कोर्स को ज्वाइन नहीं कर लेते, लेकिन जैसे ही इनके कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो ये कॉल करना तो दूर, आपके कॉल को पिक तक नहीं करते हैं। ये मैंने स्टूडेंट्स के मुंह से काफ़ी ज़्यादा सुना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सच्चाई है, लेकिन ऐसा सबके साथ में नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना, कॉल पिक किए जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं किए गए तो वो इस चीज़ को बताना मेरा फर्ज था। नेक्स्ट, जो मेंटर्स होते हैं, मैंने बताया कि मेंटरशिप प्रोग्राम इसका अच्छा है, लेकिन कुछ मेंटर्स ऐसे होते हैं जो ठीक से सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए, तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखना। डाउट्स, लाइव क्लासेस काफ़ी कम होती हैं तो डाउट्स आपके नहीं ठीक हो पाते हैं, नहीं ठीक से क्लियर हो पाते हैं, अनअकैडमी में ये काफ़ी सही चीज़ है। इसका जो प्राइस है, नेगेटिव पॉइंट एक ये और, इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते अगर इसके बारे में सोच रहे होते हैं तो। नेक्स्ट चीज़ ये कि जो इसका लेक्चर्स का ओरिएंटेशन है, उसकी जो क्वालिटी वगैरह है इम्प्रूव तो कर रहे हैं, काफ़ी सही है, लेकिन मैंने कुछ स्टूडेंट्स के मुँह से ये सुना कि ऑडियो क्वालिटी में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे रेडियो एफएम को सुन रहे हैं तो उसकी क्वालिटी से इसकी कंपैरिजन करा दी जाती है, जिन स्टूडेंट्स के मुंह से मैंने सुना, जिन्होंने कॉल किया। एक चीज़ और, टीचर का इंट्रैक्शन अच्छा नहीं हो पाता, मेंटरशिप तो मिलती है लेकिन इंट्रैक्शन, क्योंकि डाउट क्लियरिंग ऐसा नहीं हो पाते हैं, तो टीचर को ही नहीं पता होता स्टूडेंट कैसा है, स्टूडेंट को भी नहीं पता होता टीचर कैसा है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी काफ़ी कम है इसकी। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे बायजूस के। अब आपको बताता हूँ कि मेरी क्या एडवाइस है अनअकैडमी के लिए और बायजूस के लिए। तो अगर उनकी टीम बायजूस के अनअकैडमी के इस वीडियो को देख रही है या खुद वो भी देख रहे हैं, अगर ये वीडियो अच्छे व्यूज़ गेन करती है, तो वैसे तो उनकी टीम रहती है इस चीज़ के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अनअकैडमी हो या बायजू हो, ये काफ़ी ज़्यादा पैसा अपने ऐड पे खर्च करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस कराते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी को मतलब प्रमोशंस के लिए लेके आते हैं, तो इन सारी चीज़ को थोड़ा सा कम करके, क्योंकि देखिए अब ये तो पता पड़ गया कि हर जगह अनअकैडमी बायजू 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 है, तो इतना प्रमोशन में पैसा ना लगाकर वो उस पैसे को टीचर्स जो उस पे एजुकेटर्स हैं उनकी पेमेंट को, उनकी सैलरी को बढ़ा दें, तो वो थोड़ा और अच्छा पढ़ाएंगे, और हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसी चीज़ पे टिका हुआ है, टीचर्स की आप फीस बढ़ाते हैं, उसका पेमेंट बढ़ाते हैं तो वो टीचर और अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। एजुकेशन सिस्टम को अगर सुधारना है तो उनके टीचर्स की फ़ी को बढ़ाना पड़ेगा, फॉरन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनकी टीचर्स की फ़ी को थोड़ा बढ़ा दें। दूसरा, कुछ फ्री कोर्सेज उन स्टूडेंट्स को देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, बजाय इसके कि फ्री बेमतलब किसी क्रिकेटर को हुआ, फिल्म स्टार को हुआ, इन सबको अपने सेलिब्रिटी वगैरह जितने भी हैं इनको हायर करके लेके आ रहे हैं, इनसे प्रमोशन करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, इन सबसे बढ़िया है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको आप जैसे इनके आपके पास अच्छी खासी टीम है, पूरी टीम है, ये रिसर्च कर ली कौन स्टूडेंट पुअर है, कौन अच्छा हार्डवर्किंग है, अटैम्प्ट कौन क्लियर कर रहा है, कौन अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के लिए आप बैठे हुए हैं, तो जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर देंगे, उनको फ्री कोर्सेज दे देंगे आप, तो उनकी भी दुआ लगेगी और आपको सक्सेस मिलेगी, ये भी काफ़ी सारी चीज़ होती है, तो इस चीज़ को आप आगे समझदार हैं देख ही लेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जो ऐड वगैरह का पैसा खर्च हो रहा है उस सारे पैसे को थोड़ा सा
एड के पैसे को कम करके अपने प्राइस को कम करें, जितना भी आपने कर रखा है 45,000 से लेकर 1-1.5 लाख तक जा रहा है उसको थोड़ा सा कम करें ताकि स्टूडेंट्स अफोर्ड कर पाएं। नेक्स्ट चीज़ ये कि टेस्ट सीरीज की क्वालिटी को जरूर इंप्रूव करें। मैं दोनों से बोलूँगा, अनअकैडमी हो या बायजूस, आपके अच्छे बता दूँ ये जितने मैंने पॉइंट बताए 4-5 पॉइंट ये सारे के सारे लागू होते हैं आपके बायजूस पे भी। यानी एड पे पैसा ये भी दे रहा है, टीचर्स वगैरह ये सेलिब्रिटी वगैरह इन सबको कम हायर करता है। जैसे शाहरुख खान है, सबसे पहले उन्हीं को हायर किया था, बहुत पहले से मतलब ऐड कर रहे हैं बायजूस का, तो उन सबको ये प्रमोशन के लिए काफ़ी वगैरह लेके आ रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा टीचर्स को थोड़ा सा पैसा दो, स्टूडेंट्स की जो फी है उसको कम करो, जो पुअर स्टूडेंट है उनको थोड़ा हेल्प करो और टेस्ट सीरीज की क्वालिटी उसको इम्प्रूव करो। साथ में इस चीज़ को ही फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने अभी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बताए ठीक है बायजूस के बारे में, ज़रूरत है बायजूस को इन पॉइंट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करने की, क्योंकि देखिए इनका काफ़ी बड़ा एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी अच्छा चल रहा है अपना बिजनेस मॉडल जो भी चल रहा है, उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा फोकस करें। प्राइस वगैरह सेकेंडरी चीज़ होती है, पहली चीज़ होती है क्वालिटी को और अच्छे से इम्प्रूव कराना। दोनों में कमियाँ हैं, दोनों में प्लस पॉइंट हैं, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं और क्या क्या एडवाइस हैं वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। अब बात करता हूँ अनअकैडमी पहले क्या था, अनअकैडमी बायजू पहले क्या था और अब क्या है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो देखिए कुछ चेंजेस तो हुए अकॉर्डिंग टू टाइम, ये इंप्रूव करते रहते हैं क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस मॉडल रन करना है, इतना बड़ा एजुकेशन मॉडल रन करना है तो उसमें चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे। तो जो रिव्यू आपने पहले दे रखे हैं, जो व्यू पहले दे रखे हैं उनमें और अब में डिफरेंसेस हैं। दूसरी चीज़, जो यूट्यूब पर कमेंट होते हैं ना उन पर आप बिल्कुल ना जाएं, खासतौर से उन कमेंट पर तो बिल्कुल ना जाएं जिनकी ना तो प्रोफाइल पिक लगी हुई है और जिनका नाम उल्टा सीधा लिखा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट का नेम अच्छे से लिखा हुआ है, उसकी प्रोफाइल पिक लगी हुई है और वो अपना ओपिनियन बता रहा है तो उस कमेंट को कंसीडर करें, उसकी सुने, उसकी समझें। लेकिन जो स्टूडेंट जिस लॉगिन आईडी से यही नहीं पता कि उसका फोटो क्या है, उल्टा सीधा फोटो लगा रखा है, उल्टा सीधा नाम लिख रखा है, तो उनके कमेंट पर बिल्कुल ना जाएं। ये क्या होता है कि अनअकैडमी वाले स्टूडेंट्स या जो भी होता है उनका टीम वगैरह कमेंट कराते हैं उल्टा या गलत कमेंट कराते हैं बायजूस के ऊपर, और बायजूस वाले कराते हैं अनअकैडमी के ऊपर। ये स्टूडेंट्स का ही पूरा चाल चलता रहता है ताकि कुछ नेगेटिव वाइब्स पैदा की जाएं अनअकैडमी वाले बायजूस के ऊपर, बायजूस वाले अनअकैडमी के ऊपर। ये नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करने से नुकसान होता है। दूसरी चीज़, जो टीचर्स की कॉन्ट्रोवर्सी होती रहती है, अनअकैडमी वाले ये टीचर ये हो गया, बायजूस वाले ये टीचर ये हो गया, ये भी एक बिजनेस मॉडल होता है, ये भी एक प्रमोशन का तरीका होता है कि ये टीचर ये हो रहा है तो कंट्रोवर्सी होगी, फैलेगी तो प्रमोशन होगा। जो नहीं जानता था बायजू अनअकैडमी को वो भी वीडियो को खोल खोल कर देखेगा, टीचर को जानकारी करेगा, तो उस कंट्रोवर्सी में भी ना पड़ें। जो गलत कमेंट है जिनकी आईडी वगैरह पर नाम नहीं लिखा हुआ उन कमेंट्स के ऊपर भी ना पड़ें। दूसरी चीज़, उनको ध्यान बिल्कुल ना दें। एक कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जिनको आपको लगता है कि ये थोड़ा सा फेवर ले रहा है तो हो सकता है वो वीडियो स्पॉन्सर्ड हो, तो उन पर आपको ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। दूसरा, उन टीचर्स पर भी भरोसा नहीं करना जो ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये पढ़ा रहा हूँ तो अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं ये करूँगा, बायजू को ज्वाइन करते हैं ये करूँगा। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों को कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को अपना सोच समझ के दिमाग लगा के डिसीजन लें। नेक्स्ट चीज़, हो सकता था इस वीडियो को मैं स्पॉन्सर्ड करके अनअकैडमी या बायजू से उनके फेवर में ज़्यादा चीज़ें प्लस में बता देता, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बता देता या प्लस पॉइंट ज़्यादा बता देता, नेगेटिव कम बताता किसी का भी। लेकिन इस चीज़ का क्या होता, मैं तो उनसे थोड़ा सा पैसा लेता, मैं तो हज़ारों में पैसा लेता उनसे, और लेकिन आपके करोड़ों डूब जाते, आपके लाखों डूब जाते, मेरा थोड़ा सा पैसा आपके करोड़ों को डुबा देता। इसीलिए आपने देखा होगा कि ना मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं बताया हूँ कि आप इस कोड को यूज़ कर लीजिए और तो आपको ये इतना डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि स्पॉन्सर मैं क्यों लेने लगा स्पॉन्सरशिप, मैं कह रहा हूँ ना मेरा थोड़ा सा पैसा, मेरा इतना आपका इतना ले डूबेगा, तो इस चीज़ को मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था, और ना मैंने किसी का फेवर लिया, जिसके जो पॉइंट हैं वो बताया, और अनअकैडमी और बायजू को दोनों को भी मैंने एडवाइस ही दे दी है ठीक है, कि किनको क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, अनअकैडमी और बायजू के बारे में ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलता रहता है कि अनअकैडमी ऐसा बायजू ऐसा, लेकिन यार मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको यूपीएससी क्लियर करने से मतलब है, इन कॉन्ट्रोवर्सी में बिल्कुल ना पड़ें, आपका जो काम निकल रहा है उसी से काम निकलते रहें, भाड़ में जाने बाकी सारी चीज़ को। अनअकैडमी वाले में ये चलता रहता है कि टीचर उसको छोड़ के जा रहे हैं, आपको टीचर छोड़ के जा रहे हैं उससे क्या मतलब है। अगर आपका कोई फेवरेट टीचर छोड़ के जा रहा है तो दिक्कत होनी चाहिए, कि कोई भी टीचर जा रहा है तो टीचर जा रहे हैं उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, पैसे का मैटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने तमाम तरीके के। जैसे मान लीजिए अनअकैडमी बायजू ने बोला कि अपने चैनल पर जाकर इस चीज़ को प्रमोट करो, वो नहीं कर रहा है, पैसे बढ़ाने बोला है अनअकैडमी बायजू नहीं बढ़ाया, तो इस काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरनल मैटर हो सकते हैं, इन सारी चीज़ को ना जाया करें। दूसरी चीज़, आपने जिस टीचर को सोच के अनअकैडमी को ज्वाइन किया या बायजू को ज्वाइन किया, वही टीचर वहाँ पे नहीं पढ़ा रहा है, ये अनअकैडमी में फ्रॉड थोड़ा सा स्टार्टिंग में था,
और अभी भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एक टीचर की वीडियो देखी, इस टीचर की वीडियो देखते उसने बोला कि आप अनअकैडमी ज्वाइन करो, मैं आपको पूरा कोर्स दूंगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे ही वो स्टूडेंट उस टीचर के भरोसे कि मुझे भाई पॉलिटी का अच्छा टीचर मिल गया तो इसके हिसाब से मैं चला जा रहा हूँ, मुझे ये टीचर की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वहाँ पे अनअकैडमी में वो जाता है तो उसके या तो इनकम्प्लीट लेक्चर हैं, या तो ऐसा हो सकता है, ये फ्रॉड अनअकैडमी का था भी और शायद अभी भी है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस टीचर को देख के वो आया था अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए, वो टीचर प्रेजेंट में पढ़ा ही नहीं रहा है। यही कि नॉट गेटिंग टीचर्स, उन टीचर को ना पा पाना जिनके लिए वो आए थे ज्वाइन करने के लिए, वो प्रमोशन करके चले गए एक वीडियो में एक साल पहले दो साल पहले, लेकिन अभी वो प्रेजेंट टाइम में पढ़ा ही नहीं रहे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस सारी चीज़ को समझना, ये फ्रॉड नहीं, ये आपकी अवेयरनेस ही है, आपको ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। वैसे फ्रॉड भी है थोड़ा सा, आपकी अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि आप अपना दिल दिमाग बुद्धि इन सारी चीज़ों को खोल कर ही किसी कोचिंग को ज्वाइन करें। पहली बात तो ये कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, और दूसरी बात ये जब भरोसा हो जाए तो उस पर डाउट ना करें। दूसरी चीज़ अनअकैडमी ये बायजूस के ये है कि टीचर्स की ट्रांसपेरेंसी वगैरह ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ को उनको करने की ज़रूरत है, ये भी एक तरह से फ्रॉड नहीं कहेंगे इनको, मतलब उनको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है। दूसरा जो ये मुझे बहुत गंदा लगता है कि पहले जो कॉलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है बायजूस में, बाद में बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाती है, या तो कॉल पिकअप ही नहीं करते हैं, या ठीक से रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है कोर्स ज्वाइन करने के बाद में। तो ये कुछ फ्रॉड टाइप का आप कह सकते हो जिनको एक्सपोज करते रहते हैं यूट्यूब पे, तो मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप में ही आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है। और एक चीज़ और, अनअकैडमी गलत हो सकता है, बायजूस गलत हो सकता है अपने टीचर्स के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए गलत नहीं है, क्योंकि उनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है, आप खुद सोच के चलिए, स्टूडेंट्स के लिए गलत हो गया तो कौन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करेगा। तो टीचर्स के लिए गलत हो सकता है, क्योंकि उनके पास टीचर्स की भरमार है, अनअकैडमी की बात कर रहा हूँ मैं, उनके पास टीचर्स की भरमार है, अगर एक छोड़ के जाएगा तो तमाम है उनके पास, तो ये टीचर्स के लिए गलत हो सकता है। स्टूडेंट के लिए अब भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ही उनके पूरे बिजनेस मॉडल को, उनके पूरे एजुकेशनल मॉडल को चला रहे हैं, उन्हें वही रन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये खतरा नहीं है। टीचर्स के लिए है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टीचर्स के लिए है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टीचर्स अभी रिसेंटली छोड़ छोड़ के भी गए। अब मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ आपको, ठीक है, ये एडवाइस आपके लिए है। पहली चीज, आप अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करें जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं तो। दूसरा, YouTube पर हजारों लाखों करोड़ों वीडियो पड़ी हुई हैं UPSC के फ्री लेक्चर्स की, आप उनको सारे वीडियोस को देखें, उनसे अपना इन्फॉर्मेशन लें और सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें। दूसरा, हमारे चैनल की UPSC सीरीज़ है, अभी तक मैं पार्ट 56 बना चुका हूँ, इसको मैं 100 तक लेके जाऊँगा, इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस और पूरा स्ट्रेटेजी मिल जाती है, तो आप इसको देख के अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको लाखों लाखों करोड़ों रुपए में मेंटरशिप में मिलती हैं, करोड़ों तो मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लाखों रुपए देके आप कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, जो आपको मेंटरशिप में गाइडेंस मिलती है, वो सारी चीज़ें इस सीरीज में फ्री हैं, आपने स्लाइड में देखा होगा सारी की सारी वीडियोज़। एक चीज़ और, आप किसी भी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी एक चीज़ दादू, पैसे वगैरह ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए आपका, आप ये देखिए आपकी डिमांड कौन पूरी कर रहा है। दूसरा, आप एक प्रिंटर ले लीजिए, ठीक है, प्रिंटर क्यों, जैसे अनअकैडमी को ज्वाइन कर रहे हैं, बायजू को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप एक प्रिंटर ले लेंगे, तो जो PDF वगैरह मिलते हैं ना, तो उनको प्रिंट आउट करा के आप उनको ऑफलाइन पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होगा ना कि ऑनलाइन। R10000 का कोई प्रिंटर लेके खुद ही घर पर प्रिंट करके उन सारी चीज़ को पढ़ें, ये मेरी एडवाइस है आप सबके लिए छोटी सी, अगर आप कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो, अदरवाइज सेल्फ स्टडी ही करें। दूसरा, टैबलेट या लैपटॉप आप ले सकते हैं, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन प्रिंटर आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, मोबाइल से पूरा काम हो जाता है, उसके बाद प्रिंट आउट करके आप वैसे पढ़ सकते हैं। अब प्राइस वगैरह, ये आपकी सेकेंडरी चीज़ होती है। देखिए, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, मेहनत, एनालिसिस लगा है, ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देना पड़ा है, तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिनको और अभी सुनिए, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताता हूँ, इनको आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कुछ रियलिटी है, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे के सारे इसमें मैंने बता रहा हूँ। कि पहला, जो कोचिंग्स होती हैं उसकी आखिर रियलिटी क्या होती है, क्या कोचिंग की वाकई में ज़रूरत होती है, तो मैं आपको बता दूं, सारी कोचिंग्स अपना बिजनेस रन कर रही हैं, कोचिंग की ज़रूरत आपको अपने हिसाब से होगी, सबको ज़रूरत नहीं होती। दूसरा पॉइंट, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग करें, तो इसके लिए मैं देखिए यहाँ पे एक बार मैं नहीं बता सकता, इसके लिए मैंने पूरे 20 पॉइंट क्लियर किए हैं, देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा UPSC सीरीज़ का, उसमें जाके आप इसको देख लेना। तीसरा डाउट रहता है आपका कि आपको किन किन स्टूडेंट्स को आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, तो पहली बात, जिनके पास टाइम कम रह गया है, जैसे कोचिंग करने के लिए, मतलब पहली बात तो मतलब एक साल बचा है जिनके पास, ठीक है, एक साल 6 महीना 8 महीना उनको कोचिंग करनी चाहिए। दूसरी बात,
उन एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, जिनके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। अब किन को कोचिंग नहीं करनी चाहिए, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, जिनके पास पूरे 2 साल या 3 साल हैं वो कोचिंग बिल्कुल ना करें, सेल्फ स्टडी करके पूरा आप कर सकते हैं। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कर्जा लेके ज़मीन वगैरह रख के या इधर उधर से पैसे मैनेज करके या सेल्फ स्टडी मतलब खुद कमा कर पैसे लगाते हैं, वो भी कोचिंग ना करें। क्योंकि कोचिंग क्या होता है, मैंने बता रहा हूँ रियलिटी अबाउट ऑल कोचिंग्स, ये आपकी गाइडिंग लाइट होती हैं, ये आपको बताएंगे इस पथ पर आपको चलना है, इस तरीके से चलना है। हाथ पकड़कर कोई कोचिंग नहीं चलाती, हाथ पकड़कर कोई एग्जाम पास नहीं कराती, वो सारा आपको खुद करना होता है, आपको रास्ता दिखा देंगे उसी के हिसाब से आपको चलना होता है। फिफ्थ पॉइंट मैंने बता दिया, अगर आपके पास टाइम कम है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज मत करिए, सेल्फ स्टडी करिए, और सेल्फ स्टडी से ही आप काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कमेंट करके बताना आपको किस कोचिंग के बारे में आपको कंपैरिजन चाहिए। एक चीज़ डाउट आएगा कि आप किस तरीके से स्टार्ट करें बिना कोचिंग के, तो आप हमारे चैनल के UPSC सीरीज देख लीजिए, पूरी फुल गाइडेंस है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 55 तक आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये सारे के सारे डिस्क्राइब कर रखा है, जितने आपके डाउट होंगे सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे UPSC सीरीज में। अब बिना कोचिंग के मतलब क्रैक करना, सेल्फ स्टडी तो हम कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, धूम धड़ाके के साथ पॉसिबल है। मैंने बता दिया सीधी सी बात, पहली बात ये है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, टाइम कम रह गया तो ज्वाइन कर लो। कोचिंग आपको वो सारी चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं जो आप जिसको आप करने के लिए काफ़ी सारे टाइम, काफ़ी सारा एफर्ट, मेहनत, एनर्जी, रिसर्च, वो सारी चीज़ लगाते हैं, वो कोचिंग आपको हाथ में प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि आप उनको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको एक गाइडेंस देगी वो। मैंने जैसे बताया कि रियलिटी क्या है, वो सारा का सारा पढ़ाने के साथ में आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, उसी उनका एक बिजनेस मॉडल भी होता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन स्टार्ट वगैरह क्यों करता है, एक तो मतलब उसका पढ़ाने का बिजनेस मतलब पढ़ाना होता है, दूसरा उसका बिजनेस होता है, तो ऑल कोचिंग्स आर रनिंग बिजनेस, ठीक है। दूसरा, कोई भी कोचिंग परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ तो बेहद ही खराब होती हैं, तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग सारी कोचिंग अच्छी हैं, लेकिन हमारा मतलब जो रिसर्च रहती है वो रहती है कि हमारे पास बेटर कौन सा मिल रहा है। मैंने बता दिया आपको, बेस्ट वगैरह कुछ नाम की चीज़ नहीं होती है, परफेक्ट नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती है, बेटर देख सकते हैं कि कौन किससे ज़्यादा बेहतर है, हमारे लिए कौन सी बढ़िया है। तीसरी चीज़, आप अपना दिल, दिमाग, बुद्धि, जो भी आपके पास हो उसको अपना ढंग से इस्तेमाल करें, और ये देखें कि आपको वाकई में ज़रूरत है या आप एक फ्लो के साथ में बहे जा रहे हैं कि वो कोचिंग कर रहा है तो मैं भी कोचिंग कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप सेल्फ स्टडी के साथ में एक से एक लेक्चर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, एक से एक फ्री कंटेंट पढ़ा हुआ है, आप उसको जाके देखें, बस आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत डालने की ज़रूरत है, दिमाग खोलने की ज़रूरत है आपको, तो आप अपने दिमाग से सोचें, समझें, सारी चीज़ देखें कि आपको वाकई में ज़रूरत है या फ्लो के साथ बहे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके क्या फैक्टर्स हैं कोचिंग ज्वाइन करने के, क्यों कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, और कितनी कोचिंग आपको फुलफिलमेंट कर रही है, कितना उसके भरतपूर्ति कर रही है, कितना आपका उससे हेल्प मिल पाएगी, सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग लगाकर इस्तेमाल करें। दूसरा, इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, एनालिसिस, मेहनत, एफर्ट, अपना टाइम लगाया, प्रिपरेशन को रोक के अपने आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। एक वीडियो पर लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो कर ही सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। आप कमेंट करके बताना कि आपको किस कोचिंग के बारे में कौन सा रिव्यू चाहिए या किसका कंपैरिजन चाहिए, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आपसे बस रुका शेयर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना वीडियो को। जय हिंद।